नमस्कार, किचन विद कावेरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवई का हलवा। ये बहुत पतला सेवई है जिसको हम तोड़ लेंगे। ऐसा तोड़ लेते हो इस तरह से, और अभी इसको मैं घी में थोड़ा भून लूंगी। यहाँ हम कढ़ाई गैस पर रख चुके हैं, इसको थोड़ा ब्राउनिश कलर आना चाहिए। यहाँ पे मैं अभी ज़्यादा घी नहीं डालूंगी, आधा चमचा घी ले रही हूँ। हमको भूनने के लिए उतना ही काफी है। ये बहुत मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ क्योंकि ये सेवई बहुत पतला है, जल्दी से जल जाएगा। इस तरीके का कलर आ गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप गर्म पानी और आधा कप दूध। ठीक से चला लेते हैं। इसी स्टेज पे मुझे डालना है इलायची पाउडर आधा, कुछ काजू मैंने तोड़ के रखे हुए हैं वो मैं डालूंगी यहाँ पे। सेवई अच्छे नरम हो चुकी है अभी। अगर ये नरम नहीं होती है तो और हमें दूध या पानी डालना पड़ता। अभी मैं डालूंगी इसके ऊपर एक चम्मच घी। सेवई रेडी हो चुकी है, अभी एक ही चीज बाकी है, इसमें मिठास के लिए क्या डालें। अगर आप गुड़ खाना पसंद करते हैं गुड़ का या इस्तेमाल कीजिए, अगर आप शक्कर खाना पसंद करते तो शक्कर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। चीनी को मेल्ट होने के लिए रखते हैं और एक 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन रख रही हूँ। 2 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। भूनने के बाद जो खुशबू आती है वो बहुत सौंधी सौंधी सी लगती है, वैसे लग रही है। सेवई हलवा रेडी है। बहुत खिल खिल गई है सेवई। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। सेवई हलवा मैंने प्लेट में निकाल लिया है, उसको सजाया है मैंने एक पिस्ता से। मीठा खाने का दिल करे तो फटाफट ऐसी डिश बना लीजिए। ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी ऐसी आशा करती हूँ। आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।